सभी को नमस्कार। जय हिंद बच्चों। फिजिकल एजुकेशन कक्षा 12 में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस कोविड की महामारी में हम सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें, इसीलिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली ने इन ऑनलाइन कक्षाओं का आयोजन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड का वैक्सीन अभी तक नहीं बना है, इसीलिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कैब का पालन अवश्य करें, कैब यानी कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। मैं फिर से आपको एक दोबारा याद दिलाना चाहूंगी कि मास्क अवश्य पहने, 6 गज की दूरी बनाए रखें, डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को अच्छी तरह से दिन में कई बार धोएं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी चीजों का पालन कर रहे होंगे और अपने परिवार को और अपने आसपास को सुरक्षित रखने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को अटेंड करने के कुछ दिशा निर्देश हैं। इस वीडियो को पूरी स्क्रीन में देखें और विंडो के नीचे कोने में स्क्वायर को करके इससे बढ़ा करें। यदि आपको ठीक से दिखाई या सुनाई ना दे तो स्क्रीन को रिफ्रेश करें। कक्षा में ध्यान केंद्रित रखें और अपने साथियों को भी कक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। चैट का प्रयोग केवल प्रश्न पूछने के लिए या पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के ही लिए ही करें। आगे बढ़ते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट उन सभी रिसोर्सेज के लिए, यूट्यूब के लिए, गूगल के लिए और उन सभी वेबसाइट्स के लिए जिनकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमने इस सेशन में किया है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो सेशन हमारा डेवलप हुआ है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, टीचिंग और लर्निंग पर्पसेस के लिए है। ये डिस्क्लेमर है, इफ़ एनी डिस्क्रिपेंसी और इनएडवर्टेंट एरर इज नोटेड इन द प्रेजेंटेशन इट वुड बी रेक्टिफाइड अकॉर्डिंगली। कक्षा को आरंभ करने से पहले हम अपने एमसीक्यू की असाइनमेंट्स की रिजल्ट्स को जान लेते हैं। पिछली बार हमारे पास 37,542 रिस्पॉन्सेज आए हैं। बहुत ही बड़ा नंबर है और दर्शाता है कि बहुत अच्छी तरह इंटरेस्ट लेकर आप लोग इन सेशंस को अटेंड कर रहे हैं और पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो आज की रिजल्ट्स के स्कोर्स हम देख लेते हैं। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है और लगभग 17,000 के करीब ये जो बच्चे हैं जिन्होंने 100% स्कोर यहाँ पर किया है। जल्दी से हम अपने टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी जिन्होंने सबसे कम समय में 10 out of 10 स्कोर किया। भावना भारद्वाज, GSKV टिकरी कला, सोनल गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककरोला, जसमीत सिंह GSBV लक्ष्मी नगर, राहुल प्रजापति RSBV झील कुरंजा, प्रीति SKV छावला, सूरज RPVV राजनिवास मार्ग, रुबीना गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसंतरा, शुभ्रा मिश्रा RSKV नंबर 1 भोलानाथ नगर, कोमल नंदन SKV नंबर 2 मंडावली, प्रीति गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगलोई। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप अपने आप को असेस करते रहिए और ये जो गूगल फॉर्म में क्वेश्चनरी दी जाती है उसको अच्छी तरह से भरिए, उनके रिस्पॉन्सेज दीजिए, उनको अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को। मैं आपको परिचय कराती हूँ अपने फैकल्टी मेंबर्स से। मैं नूतन दुग्गल, SP हेडक्वार्टर छत्रसाल स्टेडियम से। मेरे आज के प्रेजेंटर हैं श्रीमती सुनीता शारदा रायसीना बंगाली स्कूल चितरंजन पार्क से, मिस्टर राकेश मोहन कठारी गवर्नमेंट कोएड सर्वोदय विद्यालय रामपुरा से। टेक्निकल सपोर्ट में मिसेस कुमकुम अग्रवाल SKV GTV नगर से, मिस्टर मनोज कुमार चौधरी सीनियर सर्वोदय कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ZP ब्लॉक पीतमपुरा से, मिस्टर उमेश कुमार अहलावत SBV जनता फ्लैट हस्तसाल से, और चैट पर रहेंगी डॉक्टर इंदु डबास स्कूल ऑफ एक्सीलेंस रोहिणी सेक्टर 23 से, डॉक्टर पूजा रावत SKV समालखा से। आपका फैसला आपकी कामयाबी, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जो मिस्टर उमेश कुमार अहलावत आपसे शेयर करेंगे। मिस्टर उमेश प्लीज। धन्यवाद मैम। प्यारे बच्चों, हम सब दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन छोटे मोटे फैसले लेते हैं और खेलों में हर क्षण खिलाड़ियों के फैसलों पर निर्भर करते हैं। आप खुद ही सोचिए, एक गेंदबाज को हाथ से गेंद छोड़ने और बल्लेबाज को बल्ला घुमाने के लिए समय ही कितना मिलता है, और खिलाड़ियों को उसी समय के अंदर यह फैसला लेना होता है कि वह गेंद कहाँ डाले और बल्लेबाज उस गेंद को कहाँ मारे। दैनिक जीवन में लिए गए गलत फैसले हमें एक और मौका दे सकते हैं, मगर खेलों में लिया गया एक गलत फैसला सीधा हार की तरफ ले जाता है। आइए जानते हैं हमारे द्वारा लिए गए
फैसले हमारा भविष्य किस तरह निर्धारित करते हैं। आपने खेल जगत में सचिन रमेश तेंदुलकर का नाम सुना ही होगा। आज सचिन को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। क्या यही सचिन अपनी 16 साल जाना जाता था? जी नहीं, सचिन के फैसलों ने उसको मास्टर ब्लास्टर की उपाधि दिलाई। आइए जानते हैं सचिन के उस एक फैसले के बारे में जो सचिन ने 1989 भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच में लिया था। भारत उस मैच में हर की कगार पर खड़ा था। एक के बाद एक गेंदबाज, एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते रहे। उसी समय पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गेंदबाजी कर रहे थे। वकार यूनिस की बाउंसर सचिन के नाक पर लगी। गेंद लगते ही सचिन जमीन पर गिर पड़े और बहुत खून बहने लगा। उसी समय सचिन के उपचार के लिए डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाया गया। वहां मौजूद सभी दर्शक और खिलाड़ी डरे हुए थे। सबने सचिन को ग्राउंड छोड़ने की सलाह दी, मगर सचिन उस समय एक फैसला लिया और उठकर बोले, मैं खेलेगा। सचिन के इस फैसले से सभी हैरान थे। अगली ही गेंद पर सचिन ने एक शानदार चौका लगाया। उस मैच में सचिन ने न केवल 57 रन की पारी खेली बल्कि भारत को हार से बचाया। इस फैसले ने सचिन का आत्मविश्वास, भरोसा, हिम्मत इतनी बढ़ा दी थी। फिर वह रुके नहीं और क्रिकेट में सबसे बड़ा इतिहास लिख डाला। अंत में मैं यही कहूंगा, सही फैसले से हम निखर जाते हैं और गलत फैसले से हम बिखर जाते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे पता है कि आपका यूनैनिमस डिसीजन यही होगा कि आपने अपनी लाइफ को निखारना है, और ये तभी संभव है जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, असफलता अगर मिलती है तो उससे घबराना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहना है। असफलता तो एक पहला कदम है सफलता की ओर बढ़ने का, और लगातार अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो सफलता निश्चय ही आपके कदम चूमेगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और विस्तृत चर्चा के लिए स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन पार्ट टू के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुनीता शारदा जी को। धन्यवाद नूतन मैम। बच्चों, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, खेल और पोषण हमने पिछले हफ्ते भी किया था, और आइए जानते हैं आज की कक्षा की रूपरेखा किस प्रकार है। आहार के पोषक और गैर पोषक तत्वों के बारे में एक बार जानेंगे, साथ में भार नियंत्रण के लिए किस प्रकार का भोजन किया जाता है, स्वस्थ भार, अल्पाहार से हानि, और खाद्य असहिष्णुता तथा खाद्य मिथक क्या क्या है उनके बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं आहार के पोषक तत्वों के बारे में। तो आहार के पोषक तत्व क्या कार्य करते हैं? पोषक तत्व हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, और हमारी सभी अंगों की सुरक्षा करते हैं पोषक तत्व देकर। तो आगे बढ़ते हैं, पोषक तत्व और कौन कौन से हैं बच्चों, ये आपके लिए रिवीजन है, हमने पिछले हफ्ते भी किया था, और साथ के साथ न्यूट्रिशन की क्लास में भी और होम साइंस की क्लास में भी आप इसके बारे में जानते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड वाटर, साथ के साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है विटामिन एंड मिनरल्स। तो अब जानते हैं गैर पोषक तत्वों के बारे में। आहार के गैर पोषक तत्व, गैर पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम ग्रहण तो करते हैं लेकिन वे हमें कोई ऊर्जा और कैलोरी नहीं देते, यानी कि जीरो एनर्जी, जीरो कैलोरी। आइए आगे बढ़ते हैं, गैर और कौन कौन से तत्व हैं। नंबर एक पे है बच्चों फाइबर, यानी कि फोक, जो कि अनाज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, रंग यौगिक, उसके बाद है स्वाद यौगिक, और साथ के साथ है पादप यौगिक। फाइबर्स के बारे में जानते हैं। फाइबर्स यानी कि फोक, यानी कि रेशे, ये भोजन का वह भाग है जो कि भोजन ग्रहण करने के बाद अवशोषित पूरी तरह से नहीं होता है, पोषक तत्व तो निकल जाते हैं लेकिन ये पार्ट हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन बच्चों, ये हर भोजन में पाया जाता है, और साथ के साथ ये हमारे पाचक तंत्र को बिल्कुल स्वस्थ रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल हेल्दी रखने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। अगर भोजन में फाइबर्स की मात्रा कम हो तो हमें कई तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि हृदय रोग, कब्ज या फिर कुछ कैंसर। तो हमें भोजन में फाइबर्स का ध्यान रखना चाहिए, और मैं कोठारी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो फाइबर्स के बारे में आपको और अधिक जानकारी देंगे।
धन्यवाद सुनीता मैम, बहुत अच्छे से आपने नॉन न्यूट्रिटिव डाइट के बारे में यहाँ पे बताया कि जो न्यूट्रिशन के कंपोनेंट हैं। तो फाइबर यहाँ पर मैम मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि दो प्रकार के होते हैं, पानी में घुलनशील और पानी में अघुलनशील। तो पानी में घुलनशील जो फाइबर होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रोल लेवल को बनाए रखते हैं और जो हमारा ब्लड शुगर है उसको फ्लक्चुएट नहीं होने देते हैं। फाइबर का बहुत महत्व है। उसी प्रकार से कुछ होते हैं जो पानी में अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वो पेट के अंदर पड़े रहते हैं, बड़ी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज, जैसे मैम ने आपको बताया कि कब्ज होने से रोकते हैं और पेट हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहता है। तो फाइबर हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी डाइट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। तो चलिए सुनीता मैम के साथ शेयर करते हैं बच्चों आगे के जो हमारा कंपोनेंट है, रंग यौगिक। जी सुनीता मैम। रंग यौगिक, तो बच्चों हमारे जो फल फ्रूट सब्जियां अनाज सबके अलग अलग रंग होते हैं, लेकिन कुछ रंग हमें बहुत आकर्षित करते हैं और कुछ आकर्षित नहीं करते हैं। तो हम ऐसे रंग बिरंगे भोजन खाना भी पसंद करते हैं, लेकिन रंग बिरंगे भोजन खाने के लिए हम कभी कभी अलग अलग भोजन में अलग अलग रंगों का प्रयोग भी करते हैं। तो ये जो रंग होते हैं इनका हमारे हमारे पोषण में कोई योगदान नहीं होता है, ये नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी जो चीजों में अलग अलग रंग होते हैं, खास तरह के रंग हमें बहुत पसंद आते हैं, जो कि हमारे भोजन को रुचिकर बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं और हम जल्दी से उस चीज को खाना चाहते हैं जो कि हमें रंग देख के ही पसंद आ जाती है। तो कोठारी सर आपका इस मामले में क्या विचार है? जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि रंग यौगिक जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिमिक। जो जो कृत्रिम होते हैं उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, और ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है कि प्राकृतिक में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि ये कहा गया है कि पीले रंग के जितने भी फल और सब्जियां होती हैं उनके अंदर विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन हम यहाँ पे कृत्रिम के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं कि जो बाजारों के अंदर मिठाइयों की दुकानों में आपने अलग अलग प्रकार की मिठाइयों के अलग अलग रंग देखे होंगे, तो वो हमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। जैसे सुनीता मैम मैं आपसे बात करूं कि दो प्रकार के लड्डू आपके सामने रखे हैं, एक काले रंग का और एक पीले रंग का, जो कि राजस्थानी बड़ी बड़ी बूंदियों वाले और लाल पीले उसके अंदर बूंदियां लगी हैं, तो आप क्या खाना पसंद करेंगे? जी कोठारी साहब, मैं तो पीले रंग का लड्डू ही खाना पसंद करूंगी क्योंकि वो बेहद ही आकर्षक होता है, वो जो लाल लाल बूंदियां। तो खासकर देखिए बच्चों, आकर्षक और रुचिकर, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि रंगों का अपना एक अलग महत्व है, वो आपकी भूख को बढ़ाते हैं, वो आपके अंदर स्वाद ग्रंथियों को स्राव निकालने के लिए आपको उत्तेजित करते हैं। तो रंगों का हमारे भोजन के अंदर बहुत अधिक उपयोग है। तो मैं आगे सुनीता मैम से बात करूंगा कि वो स्वाद यौगिक के बारे में आपसे शेयर करें। जी सुनीता मैम। अलग अलग प्रकार के स्वाद यौगिक, अलग अलग स्वाद का भोजन, स्वाद का भोजन साथ के साथ उनकी सुगंध, जो सुगंध आती है खाने की, सुगंध से ही हम समझ जाते हैं कि रसोई में क्या पक रहा है या हम कौन से हलवाई की दुकान से आगे किसे से जा रहे हैं, तो वहां पे अलग प्रकार की खुशबू आती है। तो ये खुशबू हमें बहुत ज्यादा आकर्षित करती है अपनी ओर कि फटाफट से ये समोसा को खा लिया जाए या फिर इस मिठाई को खा लिया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसी अलग अलग प्रकार की खुशबू का प्रयोग हम दूसरी चीजें बनाने भी में भी करते हैं। लेकिन ये जो खुशबू है या फ्लेवर जिसे हम कहते हैं, फ्लेवर अलग अलग चीज का, ये फ्लेवर में किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता, ये सिर्फ जैसे कि हमने बात की भोजन को आकर्षक बनाते हैं। तो यहाँ देखिए अलग अलग तरह की आइसक्रीम है, तो मैं कोठारी सर आपसे जानना चाहूंगी कि आइसक्रीम फ्लेवर्स में से आपको कौन सा फ्लेवर ज्यादा पसंद है? जी मैम, आपने अगर पूछ ही लिया है तो वनीला मुझे बहुत पसंद है, और अलग अलग फ्लेवर हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और जिसको जो पसंद होता है उसमें उसको उसी में स्वाद आता है। जी हाँ, तो जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, आप भी अलग अलग तरह की आइसक्रीम्स खाते हैं, लेकिन इनके जो फ्लेवर्स है इनमें किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं होता है। जी जी, मैं सुनीता मैम मैं ये कहना चाहूंगा कि मसाले हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखते हैं, जो कि स्वाद यौगिक के रूप में जाने जाते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन तो नहीं होता है, हाँ हालांकि इनके अपने एक गुण अलग से हो सकते हैं, जैसे मेडिकल गुण इनके अंदर हो सकते हैं, या फिर हम कहें कि वो कलर खाने के अंदर देते हैं। माँ नानी दादी की रसोई के अंदर हम जानते हैं कि हींग की खुशबू जो है वो बहुत अच्छा
खाने के अंदर स्वाद को लेके आती थी या गंध हमें देती थी, जो खाने के लिए हमें एपिटाइटिक जो हमारे हमारे स्त्राव हैं उनको स्त्रावित करती है कि हमें भूख अच्छी लगती है या हमारा मन करता है उस खाने को खाने के लिए। तो स्वाद यौगिकों का अपना एक अलग महत्व है। तो चलिए बच्चों अलग बात करते हैं प्लांट कंपाउंड के बारे में। सुनीता मैम आपसे बात करेंगी पादप यौगिकों के बारे में। पादप यौगिक अलग अलग तरह के पादप यौगिक होते हैं जिनका कि हम अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। बहुत सारे पादप यौगिक हमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट कंपाउंड्स होते हैं जिसका हम अपने रेगुलर डाइट में यूज तो करते हैं, हम रेगुलरली यूज करते हैं, लेकिन वो हमें किसी प्रकार का पोषण नहीं देते और कभी कभी तो वो हमारे अन्य पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब होने में भी जो है उनका एब्जॉर्प्शन रोक देते हैं। जैसे कि बच्चों चाय और कॉफी, तो चाय और कॉफी अगर भोजन के हम तुरंत बाद ग्रहण करते हैं तो चाय के अंदर जो कैफीन होता है वो हमारे अन्य न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट जैसे कि आयरन आदि को एब्जॉर्ब होने से रोक देता है, तो ये कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करता है। लेकिन चाय एक ऐसा उत्तेजक है कि जैसे हमें कोई सुस्ती आती है तो हम चाय पीते हैं और हम सोचते हैं कि हमें ताजगी आ गई, तो दे वर्क एज अ स्टिमुलेंट, वो एक उत्तेजक के रूप में हमारे शरीर में कार्य करते हैं। जी कोठारी सर आप लाभदायक पादप यौगिकों के बारे में चर्चा कीजिए। बिल्कुल मैम, मैं पहले इन्हीं के बारे में बात करता हूँ कि प्यारे बच्चों हमारे जीवन में जैसा मैम ने कहा कि कुछ पादप यौगिक इस प्रकार के होते हैं कि यदि हम उन्हें ज्यादा मात्रा में लें या हम जो भी केमिकल हम ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो वो उनको भोजन को पचाने में मुश्किल करता है। जैसे कि ऑक्सलेट एक होता है जो टमाटर के अंदर होता है, वो हमारे कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, उसको अवशोषित करने में बाधा डालता है। ग्वाइट्रोजिन करके होता है जो कि जिसको कि हम एंटी थायराइड भी बोलते हैं, वो जो थायराइड है उसको बढ़ाने में मदद करता है, मतलब उसके थायराइड की जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको सीक्रेट करने में रोकता है। इसी प्रकार से प्रोटीन को पचने में रोकते हैं। तो कुछ ऐसे पोषक विरोधी तत्व होते हैं जो हमें नुकसान देते हैं, लेकिन साथ साथ आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको फाइटोकेमिकल्स है, ये केवल एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है प्यारे बच्चों, जो कोशिका की कैंसर होने से रक्षा करता है। जो हमारे कोशिका के चारों तरफ आवरण होता है जिसे कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी ये रक्षा करता है और हमें कैंसर नहीं होता। तो चलिए हम आगे चलते हैं खाते पीते और खेलते सुनीता मैम के साथ, वो आपके लिए के आई हैं एक प्रश्न। जी मैम। जी हाँ बच्चों आपके सामने है अब खाते पीते और खेलते प्रश्नमाला, जिसका की प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा भोजन रेशेदार युक्त भोजन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर रिच फूड। नंबर वन कैरेट, नंबर टू मिलेट, सी क्यूकम्बर एंड डी ऑल ऑफ दीज, यानी कि गाजर बाजा बाजरा खीरा, इनमें से कौन सा जो है वो रेशेदार युक्त भोजन है। तो बच्चे आप जब तक इस सवाल का जवाब लिखते हैं मैं तब तक चलती हूँ मनोज सर के पास। मनोज सर अगर बच्चों ने कोई प्रश्न पूछा है तो उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। जी सुनीता मैम। सुनीता मैम जैसे कि आपने बताया कि फाइबर हमें मुख्यतः सब्जियों से फलों से और अनाजों से मिलता है, इसी से जुड़े हुए मैम दो क्वेश्चन मेरे पास आए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन तो यह है, एक बच्चे ने पूछा है क्या अनाजों को पीसने के बाद उनका फाइबर खत्म हो जाता है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया मैम क्या रोटी में हम फाइबर को शामिल कर सकते हैं। तो प्लीज आप इन दोनों क्वेश्चन को जरा प्रकाश डाल दीजिए इन पर। जी अनाज को अत्यधिक पीसने से उसके फाइबर जो है बहुत महीन हो जाते हैं और उनका गुण कम हो जाता है, तो हमें अनाजों को अत्यधिक नहीं पीसना चाहिए, कोर्सली ग्राउंड होने चाहिए। साथ के साथ हमारे अनाजों में बहुत फाइबर होता है, गेहूं मक्का बाजरा बहुत फाइबर रिच फूड्स हैं ये, लेकिन सिर्फ एक खास बात का ध्यान रखते हैं कि आटा जो जब हम पिसवाते हैं तो वो बहुत साफ करके पिसवाना चाहिए, साथ के साथ आटे को छानना नहीं चाहिए क्योंकि छानने से आटे का चोकर निकल जाता है और चोकर फाइबर होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि बच्चों को उनके सवाल का जवाब मिल गया है और इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए यूट्यूब पे बैठी है इंदु मैम, तो मैं इंदु मैम से जानना चाहूंगी कि ये प्रश्न का उत्तर आ गया है। मैम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है, लेकिन सबसे ज्यादा जल्दी जवाब आया है एक श्वेता जा बच्ची का, इसने जवाब दिया है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, मतलब कि उपरोक्त सभी। जी हाँ ये सही आंसर है ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं भार नियंत्रण के लिए भोजन। सबसे पहले भार के बारे में जानते हैं। ये देखिए ये व्यक्ति मशीन पे बैठे हैं और मशीन ही टूट जाती है,
तो क्यों? क्योंकि उनका अत्यधिक भार है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सामने देखिए बच्चों, आपके सामने ये पलड़ा बना हुआ, एक तरफ तो जो कि हम ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं यानी कि भोजन, और ऊर्जा का एक्सपेंडिचर, ऊर्जा की खपत यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, योगा, डांस, ड्रामा, अलग अलग तरह की फिजिकल एक्टिविटी। देखिए अब अगर हम फिजिकल एक्टिविटी जो है कम करते हैं और ऊर्जा अधिक ग्रहण करते हैं तो हमारा वेट बढ़ने लग जाता है, ठीक है। और यदि हम भोजन अधिक ग्रहण करते हैं और उसका एक्सपेंडिचर कम करते हैं और साथ के साथ भोजन कम कर दें और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा दें तो हमारा वेट लॉस होने लगता है, यानी कि ऊर्जा की खपत होना अत्यधिक आवश्यक है अगर हमें अपने वजन को कम करना है। आगे चलते हैं, स्वस्थ भार के बारे में जानते हैं। तो स्वस्थ भार क्या है बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ भार वह भार है जो कि आपकी लंबाई की तुलना में आपका भार होता है। और उसको हम कैसे गणना करते हैं? उसकी गणना हम बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा करते हैं, जो कि आप कक्षा 12 में भी कर चुके हैं और हम दोबारा चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में कि स्वस्थ भार को बनाए रखने के लिए बॉडी मास इंडेक्स के किस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्वस्थ भार को नापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स के द्वारा गणना की जाती है, जो कि कैसे निकाला जाता है बच्चों? उसकी गणना इस प्रकार है। मैं कोठारी सर को आमंत्रित करती हूँ कि वह और बीएमआई के बारे में विस्तार से चर्चा करें यहाँ पर। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई आपको दे रहा है कि यदि आपका भार, एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि राहुल का भार यदि 72 किलो है और उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट 1.76 मीटर है, तो किस प्रकार से हम उसका बीएमआई निकालेंगे। फार्मूला आपने कक्षा 11 में भी पढ़ा था कि वेट इन केजी अपॉन हाइट इन टू हाइट इन मीटर्स। तो यहाँ पर हम राहुल का बीएमआई निकालते हैं कि 72/1.76 × 1.76, जो कि बीएमआई आपके स्क्रीन पर है 23.24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यानी इसका जो 23.24 किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका बीएमआई आया है, तो हम देखते हैं ये कहां पर स्टैंड करते हैं। अगर 18.5 से नीचे है बच्चों तो आप अंडरवेट कहलाते हैं, हमने ये चर्चा की थी कक्षा 11 में। हेल्दी वेट कहलाता है 18.5 से 24.9, और ओवर वेट है अगर 24.9 से बढ़कर 30 से कम होता है तो ये अति भार हम कहते हैं, और यदि 30 और 30 से 35 के बीच में होता है तो हम, या उससे बड़ा होता है तो हम उसे मोटापा यानी ओबीस कहते हैं। तो आइए, आपके स्क्रीन पर एक प्रश्न है मैम, आपके लिए ये प्रश्न है, मैम आपके साथ शेयर करेंगी, सुनीता मैम। जी हाँ बच्चे, ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, हम फिर से पढ़ते हैं। एक लड़के का बीएमआई अगर 17 है, अभी अभी आपने जाना कि बीएमआई क्या है, तो अगर एक बच्चे का बीएमआई 17 है तो वह क्या कहलाएगा? उसका भार अधिक भार होगा, नंबर 2 सामान्य भार होगा, नंबर 3 कम भार होगा, या D ओबीस मोटापा कहलाएगा। तो बच्चे फटाफट से इस सवाल का जवाब लिखिए, तब तक हम एक और प्रश्न लेने के लिए मनोज सर के पास चलते हैं कि क्या बच्चों का चैट से कोई प्रश्न उन्होंने लिया है। जी मैम, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अधिक भार और मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला प्रश्न है, जो कि एक बच्चा है सिद्धार्थ, जिसने पूछा है कि अगर जैसे हमारा ओवरवेट और ओबेसिटी, ये दोनों तो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, क्या अल्प भार भी हमारा इतना ही हानिकारक होता है जितना कि ये ओवरवेट या ओबेसिटी है? जी हाँ बिल्कुल, अगर बच्चे का भार सामान्य है तो ठीक है, अगर अल्प भार है वो भी शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक होता है जितना कि मोटापा। मोटापे के कारण ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारियां लग जाती है, और अल्पाहार होने से कारण कभी कभी जो है अत्यधिक कमजोरी, और साथ के साथ एनोरेक्सिया और बुलिमिया जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वो सामान्य भार को बनाए रखें, और जी अपने बीएमआई को बनाए रखने की कोशिश में हम उनकी जरूर मदद करेंगे अगली स्लाइड में। तब तक हम चलते हैं यूट्यूब से बच्चों के अगर आंसर आ गए हैं, इंदु मैम अगर जवाब आ गए हैं तो बताइए। जी मैम, बच्चों ने ज्यादातर बच्चों ने क्या सब अब तक जितने उत्तर आए हैं सभी ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है। सबसे पहले जवाब दिया है जूही तलवार, सानिया, राजेंद्र पाठक, शुभम पुरी, दिव्यांशु कुमार, और सभी का उत्तर है ऑप्शन सी, अंडरवेट कम भार। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं।
सुनीता मैम, मैं अगर आप आज्ञा दें तो कुछ कहना चाहूंगा जी 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 कि बहुत सारे बच्चे हैं आपके हमारे विद्यालयों में जो पढ़ रहे हैं वो कुछ घबराते भी हैं कि भाई हमारा वेट ज्यादा हो गया है तो हम स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए कि आप घबराइए मत, अगर आप स्वस्थ हैं, वेट ऊपर नीचे भी है तो उसको हम मेंटेन किया जा सकता है। हमारा जो फैट है वो एशियन कंट्रीज में या हमारे जो देश है हिंदुस्तान पाकिस्तान या उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं, पेट के आसपास हम लोगों का फैट ज्यादा बढ़ता है, और यूरोपियन कंट्रीज में बेटा जो साइड में हमारे हाथ और पांव होते हैं जिसे सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं वो ज्यादा बढ़ता है। तो इसमें घबराने वाली अवस्था नहीं होती, यहाँ पर केवल आपको बताया जा रहा है कि यदि भार बढ़ जाता है तो हमें अलग अलग प्रकार की लाइफ स्टाइल डिजीज होने का खतरा रहता है, तो उससे हमें बचने के लिए अपने भार को बनाए रखना है। तो आगे चलते हैं सुनीता मैम के साथ, स्वस्थ वजन कैसे बनाए रखें। जी हाँ, अब आप स्वस्थ भार के बारे में तो बता दिया, लेकिन कैसे हम उसको बनाए रख सकते हैं, अगर ज्यादा भी अगर वेट है तो हम कैसे उसको मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले भोजन को बिल्कुल स्वच्छता के साथ पकाना चाहिए, सब्जियों फलों को धो के ही खाना चाहिए, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। बैलेंस डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर वेट। सभी एलिमेंट्स को एक निश्चित अनुपात में खाना चाहिए, और ये अनुपात हमने पिछली कक्षा में भी बताया था जो कि था कि 65% ऑफ द डाइट शुड बी कार्बोहाइड्रेट्स एंड 35% शुड बी फ्रॉम फैट्स एंड 10-35% शुड बी फ्रॉम फैट्स, तो जिससे कि हम अपनी डाइट को मेंटेन कर सके। निश्चित समय पे भोजन करना चाहिए, अलग समय को बार बार बदलना नहीं चाहिए। साथ के साथ फाइबर रिच फूड को खाना चाहिए। अभी भी बात हुई थी हमारी कि फाइबर कितना होना चाहिए हमारी बॉडी में, हमारे भोजन में कितना होना चाहिए। जी हाँ, 30 ग्राम फाइबर हमें हर रोज लेना चाहिए। जी हाँ, साथ के साथ कम शर्करा वाला भोजन। अब शर्करा किन भोजनों में ज्यादा होती है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा होती है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हमें थोड़ा लिमिट करना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेना चाहिए। साथ के साथ कम वसा युक्त प्रोटीन का प्रयोग करना चाहिए, प्रोटीन के साथ साथ जिसमें अधिक वसा रहती है उस भोजन का प्रयोग हमें कम करना चाहिए। जैसे कि अगर हम अत्यधिक नियेजे खाते हैं या जिसे हम कहते हैं ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, तो उनको एक लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन और फैट्स दोनों ही अधिक मात्रा में होते हैं। साथ के साथ बच्चों, हम जब भोजन करते हैं तो हमें भोजन को बिल्कुल चबा चबा के खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड का डाइजेशन है वो मुंह से शुरू हो जाता है, उसमें स्लाइवा मिलने से ही वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और मुंह के अलावा कोई और ऐसी कोई जगह नहीं है पेट में जो फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर सके, तो उसको डाइजेस्ट करना आसान होता है। साथ के साथ हमें खूब सारा पानी पीना चाहिए। पानी भी कैसे कि भोजन के 1 घंटे बाद से हमें अच्छी तरह पानी पीना चाहिए, और भोजन करते ही हमें पानी नहीं पीना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ के साथ बच्चों, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, यानी कि अत्यधिक भोजन नहीं करेंगे। अगर आपको भोजन बहुत ज्यादा पसंद भी आता है तो आप अपनी बैलेंस डाइट का ध्यान रखेंगे कि आपके लिए कितनी डाइट की आवश्यकता है। साथ के साथ अवॉइड फास्ट फूड्स एंड जंक फूड्स। अब फास्ट फूड एंड जंक फूड कौन से होते हैं? तो मैदे और मैदे से बनी हुई चीजें, तली भुनी चीजें, ये सभी जंक फूड कहलाई जाती है। चाहे आप पकौड़े बहुत किसी न्यूट्रिशियस चीज के बना ले, लेकिन जैसे ही आप उसको तल भून देते हैं उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, वो जंक फूड बन जाती है, तो इन सब चीजों से बचेंगे। साथ के साथ अगर आपको लगता है कि आपका वजन कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो अपनी मेडिकल चेकअप जरूर कराएंगे, क्योंकि वजन बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, सिर्फ भोजन एक हिस्सा है उसका, लेकिन और भी कई कारण होते हैं, तो हमें उन कारणों को भी जानना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं कोठारी सर के साथ। बहुत अच्छे से आपने एक एक चीज को समझाया सुनीता मैम, थैंक यू। और प्यारे बच्चों, हमें खाना नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे मैम ने कहा कि समय पर हमें खाना खाना चाहिए, तो हमारी बॉडी को आदत पड़ जाती है उसी समय पर खाना खाने की, और हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है यदि हम कोई भी मील को स्किप कर देते हैं, तो हमें खाना समय पर खाना चाहिए। बच्चों, ये जो पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट है, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इनके ऊपर ध्यान देना है कि रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम चाहे कुछ भी खाते रहें या कुछ भी करते रहें, उससे वेट ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, जैसा मैम ने आपसे कहा था कि एक्सपेंडिचर जो है एनर्जी का वो हम बाहर निकालते रहें, तो जितना हम इनटेक करते हैं वो बैलेंस हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ले स्ट्रेस ऑन हेल्थ नॉट वेट। हमें भार के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें
स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना है कि क्या हमें खाना है, हम चूजी बने क्या नहीं खाना है, और बैलेंस डाइट के साथ साथ हमें नियमित व्यायाम करें और हमें स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यदि हम स्वस्थ वजन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो हमें अपने परिवार और मित्रों की भी सहायता लेनी चाहिए, वो हमें बता सकते हैं कि हमें हम कौन कौन सी चीजें हम कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ शेयर करते हैं तो हमें अच्छी अच्छी सलाह उनके साथ मिल सकती है। तो आगे चलते हैं हम अल्पाहार से हानियां, और मैं इनवाइट करूंगा सुनीता मैम को कि वो आए और आपके साथ शेयर करेंगी व्यक्ति भार कम होने से अल्पाहार से क्या क्या हानियां हैं। तो बच्चों कभी कभी हम अपने भार को नियंत्रित करने के लिए जो है गलत गलत तरीके अपना लेते हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी ही हमारा वजन कम हो जाए, तो अल्पाहार हमें नहीं करना चाहिए, जिसे हम डाइटिंग कहते हैं। और डाइटिंग किसे कहते हैं, जब जो आवश्यकता हमारे शरीर को है एक बैलेंस डाइट की, जब उससे हम बहुत कम भोजन लेते हैं तो उसे ही हम डाइटिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या क्या हानियां होती हैं। सबसे पहले आपने जैसे बच्चों इस पिक्चर में देखा ही था कि ये जो लड़का है ये डाइटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से उसको अलग अलग तरह के लक्षण होते हैं। सबसे पहले वीकनेस इन बॉडी, शरीर में अत्यधिक कमजोरी आती है यदि हम ठीक से भोजन ना करें। साथ के साथ पेट खाली होने की वजह से अलग अलग तरह की गैस की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर पेट में भोजन ना जाए तो पेट में पड़ा हुआ HCL जो है वो हमारे पेट में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। साथ इससे क्या होता है कि पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और भोजन कम हम लेते हैं तो हमारा चयापचय सिस्टम जो है वो भी स्लो होता है, मेटाबॉलिक रेट वो भी बहुत कम हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट अगर कम होता है हमारा तो उसके बाद हमारा जो है, आगे बढ़ते हैं सर, जानते हैं मेटाबॉलिक रेट कम होते ही हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अस्त व्यस्तता हो जाती है, क्योंकि चयापचय की दर कम होने से डाइजेशन फूड का ठीक से नहीं होता है और फिर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है शरीर के अंदर। और इस तरह से भोजन कम करते करते कहीं ना कहीं हम कुपोषण के शिकार होने लग जाते हैं। कुपोषण का शिकार यानी कि अत्यधिक कमजोरी आना, कभी कभी एनोरेक्सिया और बुलिमिया की तरफ बढ़ जाना, तो ये सब लक्षणों से कुपोषण हो जाता है और कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि भोजन के अंदर कुछ पोषक तत्वों को छोड़ देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ देंगे या फिर फैट्स खाना छोड़ दे देंगे। तो बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यहाँ तक कि सोते समय भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसको हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। साथ के साथ अगर हम इनको छोड़ देते हैं तो इससे अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं और आपातकालीन स्थिति भी हो सकती है, हम चक्कर खा के कहीं भी गिर सकते हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि जो लोग अनसाइंटिफिकली डाइटिंग करते हैं वो चक्कर खा के गिर जाते हैं और गिरने से कई तरह की चोट भी लग जाती है। तो हमें अल्पाहार से बचना चाहिए, संतुलित आहार लेते हुए एक्सरसाइज को जोड़ के हमें अपना भार नियंत्रण करना चाहिए। जी मैम, बच्चे इसमें एनीमिक हो जाते हैं बहुत सारे पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, जैसे आपने बताया, तो इन खास तौर से जो हमारी यंग जनरेशन है वो स्लिम और ट्रिम दिखने के लिए अल्पाहार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर यही हम उनके साथ चर्चा करना चाहते हैं कि बैलेंस डाइट बच्चों आप अपने जीवन में रखें, आप एक्सरसाइज करते रहें तो आपको अल्पाहार से हानियां या अल्पाहार की तरफ आप ना जाएंगे और आपका स्वस्थ भार बना रहेगा। खाद्य असहिष्णुता को लेके आई है सुनीता मैम, आप चर्चा करेंगी इस विषय में, खाद्य असहिष्णुता। जी हाँ, खाद्य असहिष्णुता, तो बच्चों खाद्य असहिष्णुता जोड़ते हैं हम पोषण के साथ। हमने पोषण पढ़ा था कि पोषण क्या है, कि जो भोजन हम लेते हैं हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट करता है और उसके अंदर जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है उनको हम अवशोषित कर लेता है हमारा शरीर, हमारे शरीर के एंजाइम उसको पचा लेते हैं। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ इस तरह के एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होते जो कुछ खास खाद्य पदार्थों को जो है अवशोषित कर ले, तो जिसकी वजह से हमें वो खाद्य पदार्थ डाइजेस्ट नहीं होते, अवशोषित नहीं होते हैं। वो किस लिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ खास तरह के एंजाइम्स नहीं होते हैं। जी, तो कोठारी सर आप कुछ और इस पे प्रकाश डालेंगे बच्चों के लिए। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि हम जो भोज्य लेते हैं, हम जो अनाज लेते हैं या वेजिटेबल्स लेते हैं या फल लेते हैं बच्चों, उनके अंदर कुछ इस प्रकार के केमिकल होते हैं बच्चों कि जब हम उन्हें ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो हमें फूड इंटॉलरेंस हो सकता है, या हम जैसे ही उन्हें खाते हैं तब भी हो सकता है। डिपेंड्स कि कौन सा केमिकल हमारी बॉडी नहीं पचा पा रही है या वो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं है कि वो उसे पचा पाए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ बच्चों, मेरे एक मित्र हैं, वो जब भी केला खाते हैं
केला खाते ही उन्हें फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, उन्हें वोमिटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो हर व्यक्ति को अलग अलग तरह से किसी न किसी चीज से हो सकता है या नहीं हो सकता है, इट डिपेंड्स कि आप किसी को बैंगन खाने से हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें किस चीज से हो रहा है, अगर हो रहा है तो, और हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं दो एग्जाम्पल और आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों कि सैलिसाइलेट्स करके एक केमिकल होता है, बहुत सारे केमिकल हमारे फलों में और सब्जियों में मौजूद होते हैं, जिनको हम खाते हैं तो वो पच जाते हैं, लेकिन जिनको हम खाते हैं तो हमारे एंजाइम अगर मौजूद नहीं है तो ज्यादा मात्रा में एक फल होता है जिसे हम पहाड़ का एक फल होता है चूलू कहते हैं, कि अगर उस चूलू को हम ज्यादा मात्रा में यदि खा लेते हैं, 2-4-5 क्वांटिटी में खाते हैं तो कुछ नहीं होता, वो हमें ठीक रखता है, लेकिन जैसे ही ज्यादा मात्रा में हम खा लेते हैं हमें लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। तो वो केमिकल अलग अलग प्रकार की सब्जियों में, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल्स में या फ्रूट्स में मौजूद होते हैं, और यहाँ तक कि अनाज में भी मौजूद होते हैं। तो ग्लूटेन, जैसे आपने प्रोटीन के बारे में सुना होगा बच्चों, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि इससे भी बच्चों को एलर्जी होती है, जिसे कि फूड इंटॉलरेंस कहते हैं, कि जैसे ही वो अनाज खाते हैं उनको एलर्जी होनी शुरू हो जाती है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए, और सुनीता मैम आपके साथ शेयर करेंगी कि खाद्य असहिष्णुता के लक्षण क्या हैं, कैसे पता चले कि आपको या हमें खाद्य असहिष्णुता हुआ है। जी मैम। जी हाँ, खाद्य असहिष्णुता के लक्षण इस प्रकार है। साथ के साथ मैं यहाँ भी ये ऐड करना चाहूंगी कुठारी सर कि खाद्य असहिष्णुता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि जिस पदार्थ से मुझे असहिष्णुता आपको भी हो। तो जिसको असहिष्णुता है उसके लक्षण किस प्रकार से होंगे, जैसे कि जमीन से उगने वाली चीजें अरबी या जिमीकंद, ये गले में खराश पैदा करते हैं, ठीक है, सबको नहीं करते, तो हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है कि ये असहिष्णुता सबके लिए अलग अलग होती है और नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि होगी। तो अब जानते हैं कि जिनको असहिष्णुता हो जाती है उसके क्या लक्षण होते हैं। तो उनको वो खास भोजन करते ही उल्टी आना, मितली आना, ब्लोटिंग यानी कि गैस हो जाना जिसे हम कहते हैं फूलना, सिर में दर्द होना, फूलना आप एक बार बता सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा फूलना अर्थ। जी हाँ, फूलना यानी कि ब्लोटिंग, कुछ जो खास तरह का भोजन हम खाते हैं उसको खाने के बाद ही हमें अपने पेट में फुलावट सी महसूस होती है। अच्छा, एक अच्छा। जो है जैसे जिसे कहते हैं कि गुब्बारा फूलना, तो उस जी, तरह जी, की जी, फीलिंग जी, हमें आती है, तो उसी चीज को हम कहते हैं ब्लोटिंग यानी कि फूलजन। जैसे कि ब्लोटिंग पेपर होता है जिसको कि पानी पे रखते हैं तो पानी को वो सोख लेता है, ठीक है, ब्लोट। तो ठीक उसी तरह से हमें भी ऐसी फीलिंग होती है कि हमारे शरीर ने हमारा सारा पानी रोक के रखा है और जो है हम फूले वैसे लग रहे हैं। तो साथ के साथ पेट में दर्द तो बिल्कुल जायज है कि जैसे हम खाते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है, पसीना आना, शरीर में अकड़न होना, साथ के साथ सीने में जलन होना, अधिक एसिडिटी बना देता है कोई कोई भोजन तो उससे सीने में जलन होती है, साथ के साथ दस्त लगना। तो जब बच्चों ये सब लक्षण होने लगते हैं तो ये अगर बार बार होते हैं तो हमें उसका ध्यान देना चाहिए। तो कैसे ध्यान दे सकते हैं, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले तो जिस भोजन से हमें ये एलर्जी होती है उसको पहचान के हम फूड से हटा सकते हैं। जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो गेहूं के अंदर प्रोटीन है ग्लूटीन, गेहूं की रोटी खाते ही जो है ये सब लक्षण नजर आने लग जाते हैं। तो रोटी को तो रोकना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रोटी का तरीका बदल सकते हैं। रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है तो कार्बोहाइड्रेट चावल में भी होता है, साथ के साथ मक्का में भी होता है, बाजरा में भी होता है, तो वो हम सब लेना शुरू कर देते हैं गेहूं को छोड़ के। साथ के साथ ही विशेषज्ञ की सलाह लेके उस खास खाद्य पदार्थ जो आपको परेशान कर रहा है उसको पहचान के आप उसको रोक सकते हैं, उसका कोई ऑल्टरनेटिव हम ढूंढ सकते हैं। जी कुठारी सर। जी बिल्कुल सही आपने बताया। तो आगे बात कर रहे हैं हम खाद्य मिथकों के बारे में। खाद्य मिथक कुछ ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों जो हमारे समाज में या हमारे घर परिवार में या हमारे आसपास ये कहे जाते हैं कि इनको मत खाइए, इनको खाने से आपको ये हो जाएगा या इनको खाने से आप मोटे हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आलू मोटापे को बढ़ाता है और मिठाई खाने से आपको प्यारे बच्चों मधुमेह हो जाता है, ये भी कहा जाता है। डाइटिंग करने से आपका वजन कम होता है, आसपास या आपके जो पीयर ग्रुप है यहाँ पर ये ज्यादा चर्चा रहती है। और अंडे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है जो बच्चे जिम जाते हैं कि जो बीच वाला पार्ट है उसे मत खाइए और बाहर वाले पार्ट को खाइए। तो इस प्रकार के खाद्य मिथक हमारे आसपास या देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक चीज और है कि मछली खाने के तुरंत बाद दूध को नहीं पीना चाहिए। सुनीता मैम इसमें प्रकाश डालेंगी कि क्यों ये खाद्य मिथक है। जी मैम।
जी, मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ये बहुत एक किंवदंती सी प्रचलित है, जबकि ऐसा नहीं है। मछली को जो है बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ एक साथ बनाया भी जाता है, तो मछली के साथ अगर हम दूध का कोई एलिमेंट लेते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, ये साइंटिफिकली कहीं भी प्रूव नहीं हुआ है। तो साथ के साथ आगे जानते हैं बच्चों कि ईटिंग फैट मेक्स यू फैटी, यानी कि वसा युक्त भोजन जो है आपको मोटा बनाता है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि वसा खाना ही छोड़ देते हैं। ये पूरी तरह से एक खाद्य मिथक है। वसा हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि वसा जो है वो बहुत सारे विटामिनों को हमारे शरीर में रोक के रखती है, साथ के साथ हमारे जो हमारे जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं शरीर के अंदर, हार्ट, लिवर, लंग्स, उनके बाहर जो कवर लगा रहता है वो उनको सुरक्षित रखती है, पैडिंग की तरह काम करती है, तो वो बहुत आवश्यक है हमारे लिए, इसीलिए ये पूरी तरह से खाद्य मिथक है। हाँ, हमें इसे निश्चित मात्रा में लेना चाहिए, जरूरत से अधिक नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट गुड फॉर योर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए ये पूरी तरह से खाद्य मिथक है। मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट अनिवार्य है। बिल्कुल नहीं, मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है, ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट। वैसे तो किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट हमारे शरीर को नहीं लेना चाहिए, और अगर कभी लेना भी पड़े तो वो डॉक्टरी चिकित्सीय सलाह के बाद दिया जाता है, खास बहुत ज्यादा जब कोई बीमार होता है तो कुछ सप्लीमेंट बोला जाता है, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट लेना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। और सर, आप प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में, जिम के बारे में बता रहे थे, तो इस बात पे थोड़ा और प्रकाश अभी हम आगे बात करते हैं मैम, कि शाकाहारी भोजन से हमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा खाद्य मिथक है। जैसे ऐसा नहीं है कि शाकाहारी, हमारे जो बड़े बड़े रेसलर है हमारे हिंदुस्तान के, वो शाकाहारी ही है। तो चलिए आगे चलते हैं, खाते पीते और खेलते, आपके लिए बच्चों प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि इनमें से कौन सा खाद्य मिथक नहीं है। देखिए, ऑप्शन ए है मछली खाने के तुरंत बाद दूध नहीं पीना चाहिए, ऑप्शन बी है मिठाई खाने से मधुमेह होता है, ऑप्शन सी है अंडे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नहीं बढ़ाते हैं, और ऑप्शन डी है आलू मोटापा बढ़ाता है। तो इनमें से कौन सा खाद्य मिथक नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड मिथ, नॉट, हमें नहीं कौन सा है ये छांटना है। और जब तक बच्चों आप ये छांटते हैं, मैं चलता हूं मनोज जी की तरफ। मनोज जी, अगर कोई प्रश्न बच्चों का है तो प्लीज आप जल्दी से शेयर करेंगे। जी सर, जी सर। सर, लास्ट स्लाइड से जुड़ा हुआ बच्चों का एक प्रश्न है, एक बच्चा सिद्धार्थ जिसने पूछा है कि मांसपेशीय वृद्धि के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट अनिवार्य है। अगर ये मिथक है तो हमारे जितने भी जिम ट्रेनर है, जब हम जिम करने जाते हैं, वो जाते ही सबसे पहले फर्स्ट डे ही हमें जाते ही एक प्रोटीन के सप्लीमेंट लेने के लिए कहते हैं कि अगर जो आप इन सप्लीमेंट्स को नहीं लोगे तो आपकी जो मसल से वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, ऐसा क्यों? आप इसको बिल्कुल सही सवाल, बिल्कुल सही सवाल है मनोज जी। मैं इस सवाल का आदर करता हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं 11वीं 12वीं के, ये जिम की तरफ ज्यादा जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनिए, किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट अगर आपको कोई देता है तो प्लीज आप उसको अवॉइड कीजिए। हमारे खाने में, हमारे भोजन में, हमारे अनाज में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मौजूद होता है, और हमें उसी का आहार, उसी आहार से प्रोटीन को लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की अधिकता से भी हमें रोग हो जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एक बच्चे को जानता हूं जिसकी किडनियां खराब हो गई थी एक्सेस प्रोटीन पाउडर खाने से। तो कृपया आप किसी भी तरह का, जब तक सुनीता मैम ने कहा कि डॉक्टरी सलाह ना हो, किसी भी प्रकार का प्रोटीन आप ना लें। डॉक्टर पूजा मेरे साथ मौजूद है यूट्यूब पर। डॉक्टर पूजा, अगर बच्चों के जवाब आ गए हैं तो कृपया हमारे साथ शेयर करेंगे आप। जी सर, सर सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। जो सबसे पहले आंसर दिया है वो है उज्जवल मिश्रा ने, उसका आंसर है सी, एग डू नॉट रेज योर कोलेस्ट्रॉल लेवल। बहुत सुंदर बच्चों, हमें बहुत खुशी है कि आप लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके साथ शेयर करते हैं बच्चों, निम्न में से कौन सा वृहत पोषक तत्व नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है? ऑप्शन सी जो है वो रेशेदार रफेस, ऑप्शन डी वसा फैट्स, कौन सा नहीं है हमें जल्दी से आप बताइएगा। पूजा मैम, अगर बच्चे जवाब दें तो हमें जल्दी से आप शेयर कीजिएगा। मनोज जी, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, एक बच्चा है, उसने जानना चाहा है कि खाने की ज्यादा मात्रा से भी कई बार फूड इंटॉलरेंस
हो सकता है जैसे कि अगर जो मैं एक रोटी ज्यादा खा जी लूं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल मनोज जी, मैंने उस समय भी बताया था कि हम ज्यादा मात्रा में यदि किसी फल को खा लेते हैं और उसके अंदर कोई केमिकल ऐसा मौजूद है जो टूट नहीं पा रहा है एंजाइम के द्वारा, या कोई हम प्रोटीन खाते हैं या ज्यादा दूध पीने से भी हमें फूड इंटॉलरेंस हो जाता है, तो हर बच्चे की प्रकृति अलग अलग होती है और उसी प्रकार से हमारी बॉडी रिएक्ट भी करती है। जी पूजा मैम, अगर प्रश्न के जवाब आ गए हैं तो आप शेयर कर सकते हैं प्लीज। जी सर, इसका आंसर है सी, बच्चे इसका आंसर सी दे रहे हैं। आप बहुत सुंदर बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसका आंसर है सी, रफेज। और कुमकुम मैम हमारे साथ हैं जो आपके साथ साझा करेंगी अभ्यास कार्य। जी कुमकुम जी। यस सर, आज बच्चों के चैट बॉक्स में रिस्पांस को देख के लगता है कि आज हमारे बच्चों ने इस क्लास को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य के लिए। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, स्वस्थ भारत को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर टू है, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट टू नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक्सप्लेन अबाउट द फूड इनटॉलरेंस एंड राइट एनी फोर सिम्टम ऑफ इट। एंड क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, अल्प आहार की हानियां क्या हैं। बेटा आपको ये सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करने हैं और अपने फिजिकल एजुकेशन टीचर के साथ व्हाट्सएप और पीडीएफ फॉर्म में उनसे शेयर करने हैं, ताकि वो भी जान सके कि आपका प्रोग्रेस किस हिसाब से चल रहा है और आपका प्रोग्रेस कितना अप जा रहा है। इसके साथ साथ चलो बच्चों हम चलते हैं अपने। जी थैंक यू कुमकुम मैम, थैंक यू कुमकुम मैम अभ्यास कार्य बताने के लिए। और बच्चों आप अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक असाइनमेंट दिखेगा, आप जल्दी से उसे क्लिक करेंगे, उसके अंदर 10 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब देंगे और उन प्रश्नों के जवाब के साथ ही अपना स्कोर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे और देखेंगे और उनको मेंटेन भी करेंगे बच्चों, कि आपके हर हफ्ते कितना स्कोर आपका रह रहा है और कितना हम आपके साथ साझा कर पा रहे हैं। तब तक के लिए बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके ऑनलाइन क्लास में, और अगली क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सभी को।